हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुशांत रॉय SGS। सो फ्रेंड, मैं आज आपको प्रेस्टीज स्टाइलो 750 V2 मिक्सर ग्राइंडर की एक रिव्यू दिखाने वाला हूँ। इस मिक्सर ग्राइंडर की ऑल डिटेल के साथ साथ इसका एक छोटा सा परफॉर्मेंस टेस्ट भी मैं आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। सो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल। तो स्टाइलो 750 V2 मिक्सर की यह है बॉक्स। यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ ISI मार्क दिया गया है। और फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 4795 MRP दिया गया है। सो रेड कलर में ये मिक्सर दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पे ABS मटेरियल यूज किया गया है। यहाँ पे इसकी जो हाइट है 8.8 इंचेस और यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो है 7.5 इंचेस। इस मिक्सर में कॉपर कॉइल के साथ साथ मोटर में आपको 5 इयर्स की वारंटी मिलेगा और ओवरऑल 2 इयर्स की वारंटी इसमें कंपनी के तरफ से दिया गया है। इस मिक्सर ग्राइंडर में 3 स्पीड दिया गया है, 1, 2 एंड 3। इस मिक्सर ग्राइंडर की बॉडी थोड़ा ओवल शेप में दिया गया है ताकि आप लोगों को किचन में थोड़ा जगह ये कम ले। मिक्सर ग्राइंडर के साथ यहाँ पे 3SS चार दिया गया है। बेहतर ग्रिप के लिए नीचे 4 रबर स्टैंड दिया गया है। ओवरलोड की वजह से मोटर में कोई परेशानी ना हो इसलिए यहाँ पे ओवरलोडिंग स्विच। सो मिक्सर ग्राइंडर के साथ यहाँ पे जो पहला जार दिया गया है वो है एक चटनी जार। यहाँ पे चटनी जार की हाइट 5 इंच रखा गया है और ये एक 300 ml की चटनी जार है। और गाइस, चटनी जार में प्लास्टिक सॉकेट के साथ प्लास्टिक कपलिंग, यहाँ पे एक पकड़ने के लिए हैंडल। और गाइस, जार की क्वालिटी फिलहाल ठीक ठाक है। यहाँ पे एक प्लास्टिक कैप, उसमें आप देख सकते हैं रबर गस्केट दिया है ताकि लीकेज ना हो। ये कैप नॉर्मली अनब्रेकेबल है। इस चटनी जार में 2 ब्लेड दिया गया है। सो थोड़ा एम्प्टी चटनी जार की साउंड आप लोगों को सुनाता हूँ। सो चटनी जार के बाद यहाँ पे जो दूसरा जार दिया गया है वो है ड्राई ग्राइंडिंग जार। यहाँ पे 7.3 इंचेस इसकी हाइट दिया गया है और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1 लीटर। ये वाले जार में भी आपको प्लास्टिक सॉकेट के साथ प्लास्टिक कपलिंग और उसके साथ एक पकड़ने के लिए हैंडल। इस वाले जार में भी आप लोगों को प्लास्टिक अनब्रेकेबल कैप दिया गया है और उसमें रबर गस्केट दिया गया है। और गाइस, जार में 4 ब्लेड यूज किया गया है। एम्प्टी जार की साउंड। सो फ्रेंड, मिक्सर में तीसरा और आखिरी जो जार है वो है वेट ग्राइंडिंग जार। यहाँ पे 9 इंच इसकी हाइट दिया गया है और ये वाले जार की जो कैपेसिटी है वो है 1.5 लीटर। और गाइस, यहाँ पे भी आप लोगों को प्लास्टिक सॉकेट और प्लास्टिक कपलिंग के साथ एक पकड़ने के लिए हैंडल और एक प्लास्टिक कैप विथ रबर वॉशर। आइए इसकी भी थोड़ा साउंड आप लोगों को सुना देता हूँ। मिक्सर में 6 एम्पियर 3 पिन प्लग के साथ यहाँ पे जो वायर दिया गया है वो अप्रॉक्स 57 इंचेस का है। मसाला निकालने के लिए और ब्लेड चेंज करने के लिए यहाँ पे एक प्लास्टिक स्पैचुला। सो फ्रेंड, जार में देखिए यहाँ पे दोनों तरफ तो ग्रुप किया गया है। इसको मिक्सर में आप लोगों को सेम टू सेम ग्रुप में बिठाना है और क्लॉकवाइज इसको मूव करने के बाद ये एकदम से लॉक हो जाएगा और अनलॉक करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है। सो मैंने यहाँ पे अप्रोक्स 100 ग्राम जीरा लिया है। मैं अभी ये टेस्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं 30 सेकंड का टेस्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये इसका जो रिजल्ट है वो क्या आता है। तो मिक्सर की जो चटनी जार है उसमें आप लोग डेली का जो रोज़मर्रा का आपका मसाला होता है
वो आप इसमें मसाला बना सकते हैं। और जो ग्राइंडिंग जार है, मतलब ड्राई ग्राइंडिंग जार, उसमें आप लोग चावल दाल इसको आप पीस सकते हैं। और जो बड़ा जार है, जो वेट ग्राइंडिंग जार है, उसमें आप लोग जूस लस्सी घोल इजीली बना सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, जीरा थोड़ा गोटा रह गया, इसलिए मैं इसको दोबारा 30 सेकेंड घुमाने के बाद इसको देखता हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। और फ्रेंड, और एक जरूरी बात, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है, तो प्लीज आप इसको एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों की जो लाइक है वही मेरा सब कुछ है। सो तकरीबन एक मिनट घुमाने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो ये 97 और 98% तक एकदम डस्ट हो चुका है। सो फ्रेंड, इस मिक्सर को लेके आपके मन में अगर कोई भी क्वेरी है, सो वो सर्विस रिलेटेड हो या प्राइस और क्वालिटी रिलेटेड, आप जरूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर उसका सही आंसर आप लोगों को दूंगा। और गाइस, मैंने इसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हो। ये मिक्सर आप लोगों को ऑनलाइन या ऑफलाइन में 3200 या 3300 में इजीली मिल जाएगा। सो फ्रेंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो फ्रेंड, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया और इंटरेस्टिंग किचन रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।